समझे मसूद खान भी हीरो आदमी है। इतनी तो जुर्रतें हो मुझमें कम से कम बुलंद, इतनी तो जुर्रतें हो मुझमें कम से कम बुलंद कि शाहों के ताज तो इन इशारों से छीन लूं, और जितने भी घर हैं रोशनियों से दूर, और जितने भी घर हैं रोशनियों से दूर इतने ही रोशनी में इन तारों से छीन लूं, और जितने भी बदन गए नियाज हैं लिबादू से, और जितने भी बदन गए नियाज हैं लिबादू से इतनी ही चादरें में इन जागीरदारों से छीन लूं, इतनी ही चादरें में इन जागीरदारों से छीन लूं। अब इसके बाद मैं दावत इस्तेमाल दूंगा साबिक एडमिनिस्ट्रेटर बर्दिया जनाब चौधरी साहिब अजीज साहब को कि वो स्पीकर बनाएं। लिखना लगाना चाहता हूँ, काजी को सुनाना चाहता हूँ, वोट को इज्जत को, वोट को इज्जत को, वोट को नामजादों के बाद वजीर अकबर चौधरी मसूद खालिद साहब, हाजी मुनिर साहब, पहलवान राशिद साहब, चौधरी शहीद अजीज साहब, चौधरी जोर सरब साहब, एजाज राजा साहब, चौधरी शहीद साहब और हरियाणा प्रोफेसर, मैं आपका दिल क्या था गर्मियों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एक खूबसूरत मीटिंग मुनद की और हम सबको वहीं बैठने का मौका फराहम किया। मैं सबसे पहले आपको कामयाब जलसा कराने का मुबारकबाद पेश करता हूँ, और जिस तरह आपने जलसे में पार्टिसिपेट किया आज ये जलसा न सिर्फ आजाद कश्मीर की तारीख में बल्कि पाकिस्तान की तारीख में भी बहुत बड़ा जलसा है, शुमार होता है। मरियम बीबी बहुत खुश हुए, उन्होंने बड़ी तफसील के साथ बात की, मियां साहब का पैगाम पहुंचाया और डीडीआर के लोगों का शुक्रिया अदा किया। तो मैं आज इस स्टेज के साथ से भी मियां मुफ्ती शरीफ साहब का और मरियम बीबी साहिबा का भी दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने कीमती वक्त निकाला और यहाँ डीडीआर तशरीफ लाए। बुजुर्गो दोस्तों भाइयों, मैं आपसे वोट का मुतालबा नहीं करूँगा क्योंकि ये मसूद खालिद साहब का अपना घर है, यहाँ पर इनकी करीबी अजीजदारी तलबदारी भी है, और इससे कभी भी जितने इलेक्शन हुए उसमें जो आप लोगों का किरदार था वो नहीं थी खराज तहसील का मुस्तहिक था कि आपने बढ़ चढ़ कर मसूद खालिद साहब का साथ दिया। और आज जिस तरह इमरान राशिद साहब ने कहा कि लोगों के साथ फख्र से बुलंद हैं, हम जो इनके साथ चलने वाले लोग हैं उनका सर फख्र से बुलंद है, और जो इनके अजीजदार हैं तलबदार हैं मैं समझता हूँ कि इनका सर और फख्र से बुलंद होगा कि जब लोग इनको कहते होंगे कि आपका करीबी अजीज जानदार का ईमानदार का और बड़ी मेहनत के साथ इसने इस इलाके को संवारा है, तो इस पर सच्ची बात है कि करीबी अजीजदारों और तलबदारों का भी सर फख्र से बुलंद होता है। तो मैं इस पर जनाब मसूद खालिद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने दिन रात मेहनत की और उस इस टूटे फूटे डीडीआर को पटरी पर चढ़ाया। चौधरी अशोक साहब, ये जो लोग कहते हैं कि अस्पताल बनाने चाहिए थे, तालीमी अदारे बनाने चाहिए थे, तो उनसे ये पूछिएगा कि अगर अस्पताल बन जाते तो क्या मरीजों को चरपाइयों पे लेके जाते, क्या तालब इलम में टूटी फूटी सड़कों पे अपने तालीमी अदारों में पहुंच सकते। दूसरी जंग अफजीन के बाद में कहते हैं कि जब पूरा यूरोप दबाव बर्बाद हो चुका था तो उन्होंने सबसे पहले जो काम किया वो उन्होंने सड़कों का किया, उन्होंने सड़कों का जाल बिछा कर पूरे यूरोप को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया, और जो चीज उनकी तरक्की का बायस बनी वो यही सड़कें थी कि जिससे मुल्क एक दूसरे के करीब हुए, उन्होंने एक दूसरे के साथ तजारत की, और 30 सालों में दुनिया का नक्शा जो है वो तब्दील हो गया। और आज जो कहते हैं कि तालीमी अदारे बनाने चाहिए थे, अस्पताल बनाने चाहिए थे, उन्हें आज अल्लाह ने ना अस्पताल बनाने की तौफीक दी, ना तालीमी अदारे बनाने की तौफीक दी, और ना सड़कें बनाने की तौफीक दी।
ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का एक अमल था कि उन्होंने वाटर बेस बनाई, उन्होंने मेट्रो बनाई और लोगों को सफरी सहूलियात पहुंचाई। और आज अल्लाह के फजल करम से अगर पाकिस्तान के ताजर खुश हैं तो इस वजह से खुश हैं कि आज बड़े बड़े इलाके कराची लाहौर के करीब आ गया, मुल्तान कराची के करीब चला गया, मुल्तान के लोग लाहौर आसानी के साथ सफर करते शुरू हो गए, तो जिससे लोगों का मेल मिलाप बढ़ा और तजारत बढ़ी। लेकिन बदनसीबी के साथ ये कहना पड़ता है कि जब 2018 में पाकिस्तान के लोगों पर एक फैसला मुसलत किया गया तो उस बदनसीबी के सिले में आज 3 साल हो गए हैं कि महंगाई जो है वो अपने अरूज पर है, जो अदारे बने थे वो तबाह बर्बाद हो गए हैं, कारोबार तबाह बर्बाद हो चुके हैं, लोगों को न आटा मिल रहा है, न चीनी मिल रही है, न पेट्रोल मिल रहा है। और लोग ये कह रहे हैं कि तू है चोर, तू है आटा चोर नियाजी, गो नियाजी, गो नियाजी, तू है चीनी चोर नियाजी, गो नियाजी, गो नियाजी, तू है पेट्रोल चोर नियाजी, गो नियाजी, गो नियाजी। और ये पैगाम पाकिस्तान के लोग अपने आजाद कश्मीर के भाइयों को तक ये पहुंचा रहे हैं कि अदारा जो हमसे गलती हो गई उसका खामियाजा हम भुगत रखे हैं और आप ये गलती हर किसी का करना कि आपको भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ जाए। सच्ची बात है कि बुजुर्गों दोस्तों के किसी मोहल्ले में कोई 4 भाई रह रहे थे तो वह चारों बेचारे जो है कि इसी तरह तारीख साहब वाला ही होता साहब साहब था। तो किसी शख्स ने कहा कि मेरा इससे कोई मामला हो गया है, कोई बंदा ये बताए कि इन्होंने जो सियाणा किराया तो उन्होंने क्या सियाणा में इमरान खान है तो साया जब सियाने नहीं ये अलग है तो जाने नहीं क्या उसे तो तुम खुद समझदार हो तो मैं जिन्होंने लीडर नहीं है अलग है बाकी सुखियों में क्या दुश्मन गुलदार जैसे लोग बैठे हुए आज जड़े इन्होंने जिला वाले उन्होंने अलग की जिन्होंने क्या हुई हुई। तो मैं तुम दोस्तों बुजुर्गों का अपील कर रहा हूँ कि तुसों भरपूर तरीके नाल कंप्लेन चलाओ और जनाब साउथ खालिद साहब के एक दफा फिर असेंबली में पहुंचाई तय चढ़ाया आसान इस तमीर और तरक्की में सिलसिला जारी और सही रखा। साढ़े मजे मुकाबल जिन्हें 2 उम्मीदवार तहरीक इंसाफ ने आज सादिक साहब ने नायदी काबिल एहतराम अफसर शहीद साहब ने नायदी काबिल एहतराम और जरा अफसर शहीद साहब ने इन्हें कमी नहीं बजाई ई आई सी कि उन्हें की कमर का जो है कोई तजर्बा नहीं सी इसे तो पहले ना ही किसी का विद्यार्थी सिस्टम में ऐसा बढ़ते सर और डायरेक्ट एमएलए बढ़ते किसी वजह से वो फंड सीधा नहीं आ ही सके। मुसाद खालिद साहब के हमारे तरफ से भाई 83 विच ये तो मेंबर जिला काउंसिल बढ़ते इन्हें की विद्यार्थी अदारे चलाने में पता सी इन्हें की काम काज कराने में पता सी तो फिर जगह 2001 इन्हें की जिम्मेदारी का भी तो उसने भी भरपूर तरीके ना था लुभाई ने और फिर जरा 2016 में जिम्मेदारी लगी ने तो उसने भी अल्लाह ने फौरन करने का नियम बेहतरीन तरीके ना जिम्मेदारी लुभाई ऐसा कहा। अजहर सादिक साहब की भी एक कोई विद्यार्थी सिस्टम तो नहीं आए इन्हें की जेड़े कम का जन कोई तजर्बा नहीं ककदान कास्ता कोई है जा गलत कास्ता हुई क्या जिसका लोगों पिछले 200 साल से किता सी तासना लाका बहुत बड़ा नुकसान खमियाता पुट सी। तो मैं तुम्हें दोस्तों की अपील करना है कि तुसो अपना पैगाम घर घर पहुंचाओ और 5 जुलाई की शेर शोर भाई अमीर मोहम्मद वाशी साहब ने नामजद उम्मीदवार चौधरी मुसम खान साहब के कामयाब करो अल्लाह ताला अस सारे अमीर नसीब है। तो वाह ले ना अपना जवाब।